अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुशी स्टूडियो। देखिए आज मैं आपको क्या दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए, ये है एक फुट मैट जो कि मैं आज आपको बनाने का तरीका बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है। देखें ये तो है मटेरियल डेनिम कॉटन, एंड मैट बनाने के लिए भी डेनिम ही यूज़ किया है मैंने। ये टोटल सारा मटेरियल है। इस तरह के बनाने के लिए इस तरह के बॉल्स अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसकी फुट मैट दिखाइए, इनको बनाना कैसे है कि ये मैंने थ्रेड लिया, ये मेरे पास कॉटन है इसके इसकी फिलिंग के लिए, इस तरह की कॉटन मैंने लिए इसको फिलिंग करने के लिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ से के स्टिचेस लगाए, पूरे राउंड शेप में जाना है। ये जहाँ से मैंने स्टिच स्टार्ट की थी सेम उसी जगह पे मैंने आके ये यहाँ पे क्लोज करना है। ये देखिए अब इसके अंदर इस तरह का बनाना है, इस तरह के बनाने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इसकी फिलिंग करूँगी इस कॉटन की इस तरह से, जितने भी जिस शेप में भी जिस साइज में भी आप जिस साइज में भी आप बनाना चाह रहे हैं आप उसी अपने साइज के मुताबिक काट के जो साइज आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने खींच लिया, ये ठीक है, ये देखिए इसको मैंने इस तरह से खींचा और अब मैं ये स्टिच यहाँ पे करके ये खींच के मैंने बंद किया। ये देखिए इस तरह से इसको बनाना है। इस तरह से जोड़ूंगी, ये हमारी बन जाएगी फुट मैट। और जैसा कि मैंने अभी आपके सामने ये डेनिम यूज़ किया, ये डिफरेंट कलर की जीन्स थी मेरे पास, इनको मैंने यूज़ किया। आप जो घरों में टी शर्ट्स जो पड़ी होती हैं जिनको हम यूज़ नहीं करना चाहते, फेंकना चाहते हैं, आप वो उन टी शर्ट्स को कट करके उनका भी बना सकते हैं। एक आप कोई कलरफुल फैब्रिक है, कोई प्रिंटेड फैब्रिक है, तो मेरा मुझे क्योंकि मेरे पास तो डेनिम पड़ी हुई थी, काफ़ी सारे शेड्स थे मेरे पास, काफ़ी सारे देखें टोन्स नज़र आ रही हैं, तो मुझे ये इस तरह अच्छा लगा तो मैंने इनको कर लिया। आइए अब आप मुझे बताइएगा कि जो फुट मैट मैंने बनाई है ये आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। बाकी लोग तो इस काम के लिए हॉट ग्लू यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जर्मन ग्लू यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसमें इजी है, इजी लग रहा है इसमें काम करना। मेरा हार्ट होने वाला है कंप्लीट, देखें बस थोड़ा सा काम रह गया इसमें।